हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बल्लू भाई एंटी। फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक गाड़ी है। ये टाटा की सुपर एसी है। ये मॉडल कभी का पता नहीं, लेकिन ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका फैन बंद पड़ा है, तो गाड़ी कूलर फेंक दिए बाहर। तो इन्होंने रास्ते पे किधर तो एक जगह पे डायरेक्ट किया, और डायरेक्ट करने के बाद थोड़ी देर चला, उसके बाद वापस फैन बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी हमारे शोरूम में आई है तो चेक करने के लिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ इसका फॉल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, तो इसका प्रॉब्लम मेरे को मिला है, तो मैं बोला क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ ये प्रॉब्लम। इसके लिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। आप लोग मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन लोग हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। और ये टाटा की गाड़ी है, सुपर एसी बोल के टीडीआई इंजन है, इसमें CR4 नहीं कुछ नहीं, सादी गाड़ी है। तो इसका रिले दो आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, क्योंकि एक हाई स्पीड एक लो स्पीड बोल के रहता। तो ये रिले कैसे चेक करने का, इसका फैन का वायरिंग कैसे चेक करने का, इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा देखना। आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने सब खोला है इसका, इधर फ्यूज व्यूज सब चेक कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आगे का हमने खोला है, यहाँ से हमने चेक किया। ये फैन का वायरिंग है, अर्थिंग मेन, यहाँ पे अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग साफ करके क्लीन करके लगाया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। देखिए, ये हमने गाड़ी चालू रखा था तो ये पानी उसने फेंक दिया है। देखिए कूलेंट है ये, क्योंकि हमको लगा जब तक ओवर टेम्परेचर हो रही क्या नहीं हो रहा है वो पता नहीं चलता, जब तक कि हम गाड़ी जगह पे रेस करके रखेंगे नहीं, और तब तक जब तक वो पानी फेंकेगा नहीं बाहर। तो टेम्परेचर कभी कभी क्या हो जाता है, एक काटा ख़राब होने की वजह से ये बीच में रुक जाता है, और कभी कभी ख़राब होने की वजह से ज़्यादा फुल हो जाता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग इस पर भरोसे रहते, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपन क्या करना चाहिए, अगर कोई भी टेम्परेचर का इश्यू है तो गाड़ी एल्डिंग पे चालू रखने का है, चालू रख के अपना रेस करके देखने का है, जब तक पानी नहीं फेंकेगा। जैसा पानी फेंकेगा लेकिन गाड़ी बंद कर देने का, जिससे पता चलेगा कि आपका फैन बंद है क्योंकि पानी फेंक रहा है। लेकिन बहुत सी बार ऐसे तो लोग गाड़ी को गर्म भी नहीं करते और बोलते मेरा फ़ैन बंद है, फ़ैन बंद है, फ़ैन नहीं घूम रहा, क्योंकि वो लोग जब जाके देखते हैं तो फ़ैन नहीं घूम रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं चेक करना है आपको, क्योंकि क्या होता है बहुत से बार, ये गाड़ी कोई भी गाड़ी का फ़ैन ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर आने के बाद चालू होएगा, बंद होएगा। तो इसीलिए आप लोग को भी क्या करना है कि फ़ैन जब तक गाड़ी गर्म करना है जब तक फ़ैन नहीं घूमेगा, और जब पानी फेंक देगा समझने का इसका फ़ैन बंद है। तो ये वीडियो भी इसी टॉपिक में मैं बना रहा हूँ, इसका रेडिएटर का फ़ैन का प्रॉब्लम है, बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा करना है। सबसे पहला फ्रेंड्स, इसका मैंने फ्यूज चेक किया, क्योंकि फ्यूज़ का ज़्यादा करके प्रॉब्लम होता है। फ्यूज़ सब चालू है, और जब ड्राइवर को हमने कस्टमर को पूछा कि ये गाड़ी का क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला फ़ैन बंद हुआ, तो इन्होंने बीच में एक बटन बिठाया। ये देखिए, ये बटन बिठाया, और ये बटन भी ऐसा बिठाया ना फ्रेंड्स कि ये बटन भी ख़राब हो गया, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये कवर है, ये पैडल के बाजू में, ड्राइवर सीट के बाजू में ये रिले बॉक्स है, इसके अंदर से हमने ये बाहर लिया है आप लोग को दिखाने के लिए स्पेशली, क्योंकि ये अंदर फिटिंग होता है। तो देखिए, ये दोनों भी एक स्लो स्पीड का रिले है, और इधर ये जो बड़ा है ये हाई स्पीड का है। ये देखिए, ये रिले है हाई स्पीड का, जो कि दो बड़े पिन आते हैं, दो छोटे पिन, और ये दूसरा वाला है, ये चारों पिन भी सेम रहते हैं। ये देखिए, चारों पिन भी सेम रहते, और ये दूसरा रिले है, एक बड़ा रहता है, दो बड़े रहते और दो छोटे पिन रहते हैं, तो ये हाई स्पीड लो स्पीड रहता। तो ये रिले उल्टा फिल्टर नहीं बैठेगा, क्योंकि अंदर का भी डिज़ाइन चेंज है। तो इधर से मैंने जब डायरेक्ट करके देखा तो चल रहा था, तो फिर मैंने बोला इसका रिले का प्रॉब्लम है। जब इसको मैंने चेक किया तो ये देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पर अंदर सड़ गया है, देखिए एसिड जमा हो गया, ये देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से मेरे उंगली के पास यहाँ पर देखिए, ये एसिड आ गया है। देखिए, ये जो ऊपर का क्लिप है वो क्लिप के नीचे एसिड जमा हो गया, जिससे ये बज रहा है, क्योंकि रिले चलता कि नहीं बजने के ऊपर लोग चेक करते हैं बहुत से, लेकिन अपने को वैसा नहीं चेक करना है। ये बज रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बटन बिठाया,
और बटन किधर बिठाया ये देखिए आपको दिखाता हूँ, वो भी किधर बिठाया, इधर देखिए चिकन टिप मारा है उन्होंने, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए इधर एक और इधर एक वायर को चिकन टिप मारे, ये दोनों को डायरेक्ट किया उन्होंने और वो बटन बिठा दिया, क्योंकि जो भी बटन बिठाते तो ये दोनों वायर को डायरेक्ट करते, दो वायर लेके इसको एक जोड़ के बीच में एक बटन दे देते जो जिससे कि तुम खींचने के बाद डायरेक्ट चालू होएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका मैंने देखी निकल दिए ये देखिए ये डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट भी जो मैकेनिक ने जो इलेक्ट्रिशियन ने किया है उसको इतना भी समझ में नहीं आया ये वायर कितना पतला है। आप देख सकते फ्रेंड्स ये देखिए ये वायर में और ये वायर में कितना फ़र्क है, आप देखिए मैं बाजू में रखता हूँ। कोई भी सीधी बात है, ये अगर इतना जाड़ा वायर है क्योंकि उसका लोड ज़्यादा है, उसका एम्पेयर ज़्यादा है, उसका करंट फ्लो ज़्यादा होता है, और इतना पतला सा वायर इसको जोड़ दिया है तो ये वायर भी क्या हो गया, ये वायर भी जल गया, कड़क हो गया और बीच बीच में जल गया फ्रेंड्स। तो जलने के वजह से ये तो नहीं जला बल्कि ये बटन भी उन्होंने एकदम सादा वाला डाल दिया कि पूरा जल गया बटन भी। देखिए मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए ये बटन भी जल गया पूरा, देखिए कैसा हो गया है, ये पूरा जल गया, ये देखिए जल गया क्योंकि ये पतला वायर कितना देर टिकने वाला है, ये वायर भी पूरा जल के कड़क हो गया, ये देखिए आप देख सकते पूरा जल के ख़राब हो गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, निकल दिया साइड में। फिर अब मैं बताता हूँ आपको कैसा चेक करना है फ्रेंड्स। ये देखिए सबसे पहले हाई स्पीड लो स्पीड के लिए दो रिले है, आपको बता दिया अभी मैंने कि ये जो चार पिन के छोटे आते हैं ये आता है स्लो स्पीड के लिए, स्लो स्पीड होता है इससे, इसको लगा देंगे हम लोग, क्योंकि चेक करने का आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास गैरेज में काम करते हैं तो आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। मैंने मेरे बहुत से वीडियो में बता दिया है कैसा चेक करना है रिले को, कैसा चेक करने का, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी अपने पास टाइम नहीं रहता तो आप उन फास्ट कैसे चेक कर सकते वो ही सब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा तो अपन डायरेक्ट वायर डाल के ये डाल के चेक कर सकते। ये देखिए ये जूना रिले मैं रख लाऊँ क्योंकि ये रिले ख़राब है, ये रिले के वजह से फ़ैन बंद हो गया, क्योंकि इसका मेन प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ हाई स्पीड लो स्पीड के लिए। हम गाड़ी के नीचे जाएंगे, ये देखिए गाड़ी के नीचे जब आ जाएंगे फ्रेंड्स हम लोग, ये देखिए ये जो पिन आता है ये रजिस्टर बोलते हैं, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर ख़राब होने की वजह से भी आपका हाई स्पीड लो स्पीड का बंद हो जाता है, क्योंकि हाई स्पीड जो आता है इसका हाई स्पीड जो वायर आता है वो डायरेक्ट अंदर फैन में चला जाता है और इसका अर्थिंग भी डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन जो येल्लो वायर रहती येल्लो वो रेजिस्टेंस में से स्लो स्पीड कर स्पीड को स्लो कर देता है। तो ये याद रखिए आपका स्लो स्पीड बंद पड़ा है तो ये ख़राब हो जाता है आपका ज़्यादा करके, ये चेंज करके पहला देखने का फिर उसके बाद स्लो स्पीड का रिले चेक करने का। लेकिन इसका प्रॉब्लम ऐसा है इसका स्लो स्पीड बंद पड़ा है और हाई स्पीड पे रिले उड़ गया है, तो इसको कैसे चेक करना है देखिए, ये वायर जो है ये चॉकलेटी जो है चॉकलेटी वायर देखिए आपको दिख रहा है चॉकलेटी अर्थिंग है, ये काला वाला हाई स्पीड का मेन है और ये लो स्पीड का येलो वाला है जो आग की इधर से स्प्रिंग के अंदर से रेजिस्टेंस के अंदर से घूम के फैन के अंदर गया। तो पहला ये ख़राब हो गया, ये ख़राब होने की वजह से स्लो स्पीड बंद पड़ा है, तो स्लो स्पीड बंद पड़ने से ओवर टेम्परेचर होकर गाड़ी का स्पीड फैन हाई चालू होने लगा और हाई ज़्यादा देर नहीं चल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग है ना फैन का बटन बिठा देते और हाई स्पीड पे लगते तो बैटरी भी डाउन होता है, फैन पे लोड आता है, अल्टरनेटर पे लोड आता है, पूरा करंट के सिस्टम पर लोड आता है और वैसे ही हो गया। इन्होंने जब हाई पे इसको रखा तो हाई पे रखने के बाद क्या हो गया, उसका रिले बाहर का मैंने आपको दिखाया वो उड़ गया, देखिए ये वाला रिले उसका उड़ गया क्योंकि ये जल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके अंदर एसिड आके जमा हो गया क्योंकि उस पर कंटिन्यू लोड आ गया, क्योंकि हाई स्पीड कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए। जब बहुत टफ हो गया है पहाड़ पे चल रही है कोई घाट में चल रही गाड़ी तब बंद पड़ेगा, क्योंकि हाई स्पीड फैन उसी के लिए रहता है, जब ओवर टेम्परेचर हो रहा है तब हाई स्पीड चलता है, नहीं तो मीडियम स्पीड में चलना चाहिए। तो मीडियम स्पीड का बंद हो गया वो रेजिस्टेंस की वजह से और ये प्रॉब्लम या हाई स्पीड का रिले उड़ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको कैसे चेक करने का मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास है ये लैपटॉप,
आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा क्योंकि ये कंपनी का ओरिजिनल है, आपके पास बाहर रहेगा। देखिए हमारे पास स्विच ऑन किया है और हमने ये डायग्नोस्टिक लगाया टाटा का, देखिए टाटा मोटर्स बीकानेर बोल के आता है। सबसे पहले देखिए इसको फ़ैन का एक्चुएटर बोल के टेस्ट रहता है, एक्चुएटर टेस्ट। इसको हम कैसा कर सकते हैं, देखिए फ़ैन फास्ट, इसको अगर हम यहाँ पे ऑन करेंगे, देखिए ऑन, तो आगे हमारा फ़ैन चलेगा। ये देखिए मैं इसको ऑन पे लेता हूँ, इसको अगर हम हॉर्न पे दबा देंगे, टेस्ट इन प्रोग्रेस। देखिए रिले ऑन हो गया है लेकिन आगे फ़ैन नहीं चल रहा है, देखिए आवाज़ भी नहीं आ रहा है, फ़ैन भी नहीं चल रहा है, रिले बज रहा है लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा है। देखिए अभी मैं वापस आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ये देखिए टेस्ट ख़त्म हो गया, टेस्ट एंड हो गया, टेस्ट आगे चल रहा नहीं, मतलब रिले चल रहा है लेकिन। अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ रिले के पास माइक रख के, यहाँ पे मैं ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए आवाज़ आ गया, अब बंद भी हो गया लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा है। अभी हम क्या करते, इसका जो रिले है इसको निकाल देते, क्योंकि मेरे पास देखिए ये एक रिले है और एक अच्छा दूसरा गाड़ी का रिले मैंने टेस्ट के लिए निकाला है। ये देखिए ये तो ख़राब वाला है जो गाड़ी का है, और ये दूसरा गाड़ी का रिले फ्रेंड्स सेम, इसको लगा के हम लोग एक्चुएटर करते टेस्ट, एक्चुएटर लैपटॉप पे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वायर डाल के कर सकते। ये देखिए मैंने लगा दिया, अभी देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ फ़ैन को यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स फ़ैन चालू हो गया हमारा और बंद भी हो गया क्योंकि 5 सेकेंड के लिए चलता है। देखिए टेस्ट वापस एंड हो गया, मैंने ऑन किया, देखिए वापस एक बार करेंगे, आपको आवाज़ इधर तक आएगा, देखिए फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, ये रिले का भी आवाज़ आएगा आपको। तो ये रिले में फॉल्ट था, ये रिले ख़राब था फ्रेंड्स, फिर हमने दूसरा गाड़ी का डाल के देखा तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो ये छोटी सी रिले, ये रिले का कम से कम 600-700 रुपये को आ जाएगा, टाटा का प्राइस तो पता नहीं लेकिन अभी अंदर से बाहर से आपको 600-500 रुपये को मिल जाएगा। अभी ऐसे एक रिले इसको डाल देंगे, ये रिले डालने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो ये मैं आप लोग के लिए शेयर करना चाहता था कि आप लोग, आपके पास भी कोई गाड़ी का फ़ैन का प्रॉब्लम है तो ये रिले ऐसा चेक कर सकते, ये कौन सा रिले है, हाँ स्पीड लो स्पीड किधर आती है, कौन सा किधर बैठता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। इसका फ़ैन का रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया है, उसको कैसा चेक करने का। तो फ्रेंड्स आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर में ना एक्चुएटर का रहता है, एक्चुएटर को कैसा डायरेक्ट करने का, एक्चुएटर से कैसा कोई सिस्टम को डायरेक्ट करने का। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, आप लोग वायरमैन है तो श्योरली आप लोग पूरा देखेंगे, अब मैकेनिक है तो पूरा देखेंगे, लेकिन जो लोग नहीं देखते तो उनकी मर्ज़ी, क्योंकि वो लोग कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि मैं हमेशा नॉलेज भरे वीडियो डालते रहता हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग सीखे देखे समझे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स अपना फ़ोटो वीटो वीडियो जो भी भेजना है भेजो, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कमेंट आते हैं मेरे को, उसका रिप्लाई नहीं दे सकता, और बहुत से कमेंट का रिप्लाई का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कुछ भी पूछते, लोग बोलते कि बोनट कैसे खोलने का, अभी लोगों को बोनट खोलने के लिए भी सीखना पड़ेगा, कुछ कुछ लोग बोलते इसका ऑयल का गेज किधर आता है, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट डालते जिनका रिप्लाई नहीं दे सकता मैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते वहाँ पे, और या फिर और फ्रेंड्स अभी जो भी आप लोग नए नए वीडियो चाहते तो मेरे को कमेंट करो, मैं वो वीडियो कमेंट रिप्लाई नहीं देता हूँ लेकिन उसको पढ़ते रहता हूँ, तो उस टाइप के वीडियो आप लोग के लिए बनाते लाते रहूँगा फ्रेंड्स। और आप लोग को थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे उसके लिए, शेयर कर रहे भी उसके लिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।